नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, हमारे अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1997। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में। और ये वीडियो आप जब भी देखें सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर देखते हैं उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1999। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया एक सशस्त्र संघर्ष था। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलओसी से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन सी ऑपरेशन जय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के दौरान भारतीय सेना की जमीनी सैनिकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को नियंत्रण रेखा से हटाना था। इस विशेष ऑपरेशन को ऑपरेशन सफ़ेद सागर का कोड नेम दिया गया था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल और स्कर्दू के बीच का रास्ता कब बंद किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1949। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1949। पाकिस्तान का शहर स्कर्दू सैनिकों को आसानी से हथियारों की आपूर्ति कर सकता है। इसके और कारगिल के बीच एक सड़क थी, 1949 में इस सड़क को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन, कारगिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, यह लद्दाख के बल्तिस्तान जिले का एक हिस्सा था। दो, 1948 के कश्मीर युद्ध के बाद इसे एलओसी द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर क्या है, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कारगिल 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बल्तिस्तान जिले का एक हिस्सा था, और प्रथम कश्मीर युद्ध 1947-48 के बाद एलओसी द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कारगिल युद्ध के दौरान कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ ऑपरेशन का नाम क्या था? ओके, ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन बद्र, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी ऑपरेशन गजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑपरेशन बद, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ऑपरेशन बद। एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को नियंत्रण रेखा से के पार भारतीय क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया, और घुसपैठ का कोड नाम ऑपरेशन बद्र था। ठीक है, सही उत्तर ऑपरेशन बद्र। ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघा बॉर्डर, ऑप्शन बी टाइगर हिल लद्दाख, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी शिमला माल रोड। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी टाइगर हिल लद्दाख। टाइगर हिल लद्दाख वह क्षेत्र है जहाँ कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है। इसे द्रास मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कारगिल युद्ध स्मारक टाइगर हिल लद्दाख में स्थित है, द्रास मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान लगभग कितने सैनिक मारे गए थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लगभग 200, ऑप्शन बी लगभग 345, ऑप्शन सी लगभग 298, ऑप्शन डी लगभग 527। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी लगभग 527। ठीक है, ऑप्शन डी 527। कारगिल युद्ध में लगभग 527 सैनिकों की मौत की दर्ज की गई थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी शाहिद खाकान अब्बासी, ऑप्शन डी शौकत अजीज। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध, मिसप्रिंट है, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। ओके, ऑप्शन बी सही
सही उत्तर है। ठीक, ये सही कर लीजिए, करागिल नहीं कारगिल है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान क्या है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन। कारगिल के लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्या है? ओके, ऑप्शन ए बोलतीपुरी, ऑप्शन बी किस्तवारी, ऑप्शन सी कोसूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ओके, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल्टीपुरी। बाल्टीपुरी वह बोली है जो कारगिल के लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।